केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण आकांक्षी योजना आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत एक जिला एक उत्पादन योजना में नीमच जिले का धनिया फसल में चयन हुआ है। उपसंचालक उद्यान के सुभाष चंद्र शर्मा ने बताया कि इसके अंतर्गत आज जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल के निर्देश अनुसार 1 नवंबर मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में अटल बिहारी वाजपेयी सभागार टाउन हॉल पर उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा नोडल एजेंसी एमपी एग्रो के सहयोग से किसान हितग्राहियों और बैंक की मीटिंग आयोजित कर हितग्राहियों और बैंकर्स की समस्याओं का आदान प्रदान कर समस्याओं का निराकरण किया गया। साथ ही बैंकों द्वारा किसानों को लोन पर ऋण देकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इसी के अंतर्गत आज नीमच जिले में ग्राम अलडेट में एक इकाई प्रारंभ की गई और किसानों के 16 प्रकरण स्वीकृत कराकर वहीं 8 प्रकरणों में हितग्राहियों को ऋण दिला चुके हैं। वहीं प्रदेश में नीमच जिला प्रथम स्थान पर है। बैठक में कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक, अग्रणी बैंक प्रबंधक, हितग्राही और किसान मौजूद रहे। आज जो टाउन हॉल में जो बैठक रखी गई है, जो एक जिला एक उत्पाद में नीमच जिले को धनिया फसल के लिए चयनित किया गया है, इसमें जो हितग्राही और जो किसान हैं, जो बैंक लोन के लिए जिले की विभिन्न बैंकों में आवेदन करते हैं, तो उसमें उनकी वो क्या कठिनाई आ रही हैं या बैंक वालों को लोन सैंक्शन करने में क्या कठिनाई आ रही हैं, इसके समाधान के लिए ये बैठक आयोजित की गई है। हितग्राही किसान एवं बैंकर्स हैं, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक हैं, और चूंकि एक जिला एक उत्पाद आत्मनिर्भर भारत के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम को नोडल एजेंसी नियुक्त किया है, तो ये इसमें जो प्रायोजक हैं मुख्य रूप से एमपी एग्रो है, मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम नीमच जिले के जो जिला प्रबंधक हैं वो हैं। अब वो चूँकि विभाग अपने विभाग का जो हितग्राही हैं वो अपने विभाग से हैं, इसलिए ये दोनों के संयुक्त रूप से दोनों विभागों का ये कार्यक्रम है कि आत्मनिर्भर भारत योजना अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद जो मध्य प्रदेश के सभी जिले उनमें चयन हुए हैं, उसमें अपना नीमच जिले का अभी भी प्रथम स्थान है। यहाँ पे पोर्टल पे तो वैसे 19 केस प्रदर्शित हो रहे हैं सैंक्शन में, लेकिन 3 प्रोजेक्ट रिपीट हैं, तो फिर भी 16 केस अभी तक स्वीकृत हो चुके हैं, जिसमें से 8 केसों में बैंक से डिसबर्समेंट जो ऋण है वो वितरित भी कर दिया गया है। उसमें आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमको ये बैंक से लोन से ग्रेडर अनाज साफ धनिया वगैरह साफ सभी तरह का अनाज साफ करने के लिए बैंक सब्सिडी पे लोन दे रही है और उसी के लिए मीटिंग उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, किसानों को ज़्यादा सुविधा हो सके, इसी विषय में हम लोग आए थे किसान, और हम लगा भी रहे हैं देख भी रहे हैं धनिया, इसके अलावा लहसुन सभी तरह का हम फसल उगा रहे हैं, ऑर्गेनिक फसल भी उगाते हैं हम लोग, और इसी संदर्भ में हम मशीनें के लिए समझने के लिए यहाँ आए थे। नहीं, बहुत अच्छी पहल है, इसमें बहुत अच्छा किसानों का इसमें साथ बहुत अच्छा है। पहले भी मैं इसमें धनिया में ग्रेडिंग करता था, लेकिन अब मेरे को मशीन मिल रही है, इसमें बहुत अच्छा बहुत अच्छी पहल है, बहुत बढ़िया कार्य है। इसमें मशीन धनिया के साथ में मैं अश्वगंधा भी लगाता हूँ, वो भी लखनऊ विश्वविद्यालय के रिसर्च बीज, उसमें भी बहुत अच्छी प्रोडक्ट बहुत अच्छा फ़ायदा मिल रहा है मेरे को। नहीं, ये बहुत अच्छी पहल है साहब, इससे किसान इतना सक्षम नहीं, अगर बैंक लोन देगी सहायता देगी तो उसमें किसान कर लेगा काम, बहुत बहुत अच्छी पहल है। नीमच से दीपक खताबिया की ये रिपोर्ट।